लोगों को घुमाने फिराने कहाँ लाई हूँ, लाहौर में। मैंने कहा पिंडी शिंडी हमने बहुत घूम लिया, अब चलते हैं ज़रा कुछ मज़ीद एडवेंचर करने। और हम आए लाहौर और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और रात का एक लंबा सफ़र ट्रेन से करने के बाद हम लोग मॉर्निंग में जब पहुँचे तो जल्दी जल्दी होटल में अपना सामान रख कर हम लोग बाहर निकले नाश्ता करने के लिए और हम सीधा आ गए पुरानी अनारकली। और अभी मैं बाहर जाऊँगी, नाश्ता तो मैं पहले कर लूँ ना मज़े से, ज़रा पेट पूजा ऑर्डर है, उसके बाद मैं आप लोगों को पुरानी अनारकली विज़िट करवाऊँगी, फिर नई अनारकली दिखाऊँगी और फिर मैं आपको पूरे लाहौर एडवेंचर कराऊँगी। और यहाँ जी मेरे साथ एक और व्लॉगर मौजूद है, मिनी वेयर आर यू। हमारा नाश्ता आ चुका है और ये देखिए सादा पराठा, मूली का पराठा, आलू का पराठा, ये मेरी मूली है छोटी सी मिनी, ये मेरा आलू है, आलू कौन खाता है पराठा के साथ चटनी, और ये हूँ मैं जो ये सारे पराठे खाने वाला। सब देख लेती है कैफे 1947 जहाँ पे चिकन बिरयानी, जिंगर बर्गर, चिकन शवरमा, गोल गप्पे, क्रीम चाट, चना चाट, दही भले सब कुछ है। गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा डेरा साहिब शहीदी इस्तेहान श्री गुरु अर्जुन देव जी लाहौर। इसीलिए कुछ ना इंडियन इंडियन टचेस में आ रहा था सी, दिस इज द गुरुद्वारा, दिस इज द शाही किला। और अब हम इसके अंदर से जाके देखने वाले, मैंने हम कहाँ आए हैं, शाही किला, शाही किला, यस। और अब हम शाही किला घूमने वाले, इट्स ऑब्वियस शाही किला, यस इट्स एक्चुअली शाही किला। सहेल यार यहाँ तो बहुत अच्छे वीडियोस बनेंगे, शाही किला एंड एक्चुअली इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा।
बहुत ही प्यारा। ओ यार वाह कितना प्यारा है यार ये। यहाँ पे तो वो वाली शूटिंग हो सकती है अजीम मुशान शहनशाह। यस इसीलिए मैंने आपको मना किया था बॉटल मत ले। एक तो बच्चे बात नहीं सुनते, वो चीज़ें उठा कर ले आते हैं और फिर वो हमें तंग करते हैं। We are going upstairs. बहुत सारी स्टेयर्स हैं जो मैंने चढ़नी है और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है और मैं अपनी कैप वैप कुछ भी नहीं लाई, मुझे नहीं पहननी थी। This is the Mughlai door. Hello, Aurangzeb Badshah, please come out. Okay. So let me show you. अच्छा मैं आपको चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बंदी है वही लोकल लोकल जो इंस्टाग्राम आते हैं यहाँ पे बनवाते हैं। लेकिन मैंने कहा ऑरेंज में चला हम बस करो कि ये बात नहीं आई है, ये अभी जो है ना बस इसकी बुलाई होने वाली पकड़ लेंगे। हम औरंगजेब बादशाह के निकलने का वेट कर रहे हैं यार। ये बहुत मज़े की जगह है, आई लव इट। और मैं अपना ही साजो सामान उठा उठा के थक गई हूँ यार, मुझे मैं बहुत थक गई हूँ। एक बंदा होना चाहिए ना मेरे साथ जो मेरी सारी चीज़ें उठाए। हाय ओ वाह एक और मज़े की जगह नज़र आई मुझे। मैं बैक यार ये बहुत ही प्यारा है, बहुत मज़े का ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कौन कौन से महल हैं। यार ये बिल्कुल वही है जहाँ पे हम लोग वो वाली शूटिंग कर सकते हैं, अजीम शान शहंशाह। आ जाओ रोहन मना इधर जा रहे सारे आदमी। द बेस्ट प्लेस आई विजिटेड इन लाहौर इज दिस बादशाही किला एंड ऑफ कोर्स द मीनार ए पाकिस्तान, बट दिस बादशाही किला इज़ जस्ट ऑसम। बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत मज़े का है। और मुझे मतलब जो भी लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं बहुत शौक है, दे कैन विजिट दिस प्लेस, इनफैक्ट दे शुड विजिट बिकॉज ये बहुत बहुत अमेजिंग है यार, बहुत अमेजिंग है। आई एम इन लव विद बादशाही किला, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। आई एम थिंकिंग जब ये प्रॉपर एक ब्रिज होता होगा तो ये कितना खूबसूरत होता होगा, जब ये प्रॉपर एक अपनी रियल फॉर्म में होगा, जब ये किला आज से पता नहीं कितने साल पहले, कितना खूबसूरत होगा। बिकॉज अभी जो हम इसका एक बिल्कुल ऐसा लुक है जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुका है, लेकिन उसको उन्होंने अपनी शक्ल में रखने के लिए उसको प्रॉपर वैसा ही रखा हुआ है और उसको कुछ ख़राब नहीं किया, मीन्स उसमें कोई अमेंडमेंट्स ऐसी नहीं किए हैं, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। तो अब मुझे ये सोच के ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये जब प्रॉपर होता होगा एक किला उस ज़माने का तो ये कितना खूबसूरत होता होगा। सो दिस इज़ द डिटेल ऑफ दिस मसमन दरवाज़ा। कोई चीज़ मिनी पीछे बारूद खाना। सो दिस इज द बारूद खाना। अरे मुझे डर लग रहा है मैं ही ना कहीं गिर जाऊं आगे पीछे कहीं। मिनी मिनी बी केयरफुल, डोंट रन रोहन। सो ये आप देखें जो जगह है कितनी ऊपर नीचे है और मैं इतने मज़े से बेखबर होकर अपने जो है ना मस्त होकर चल रही होती, मुझे कोई होश नहीं होता नीचे क्या है क्या नहीं। मुझे यही डर लग रहा है कि मैं ही ना कहीं गिरी हुई नजर हूँ। तो मस्त मन गेट,
इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा है ये, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। Look guys, this is the best. What is called this? मसमन गेट। I like मसमन गेट। पता नहीं मुसमन गेट है या मसमन गेट है, आई हैव नो आइडिया इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि उर्दू में ये कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये कुछ लिखा हुआ है, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट येस इट्स सम काइंड ऑफ स्पेशल गेट। अब हम किले के ही एक और हिस्से में आए हैं। एक्चुअली ये किला पता नहीं कितने एकड़ पर है और ये बहुत बड़ा है। इसका मैंने सुना है, अभी एक गाइड से मेरी बात हो रही थी एंड ही सेड, और जो गाइड थे ही सेड कि इसके अंदर बेसमेंट में भी इतना ही बड़ा है ये, और बहुत सारी चीज़ें बेसमेंट में, लाइक जैसे पनिशमेंट वगैरह जो भी दी जाती थी बादशाहों के ज़माने की, वही मतलब उनके जो भी वो औरंगज़ेब बादशाह थे या जो भी थे, जो उनके ज़माने की जो पनिशमेंट्स वगैरह होती थी उनसे रिलेटेड भी जो कुछ भी है वो बेसमेंट में है, और वो ईच एंड एवरी थिंग जो है ना एज इट इज़ है, और हम उसको खोल कर पूरा वो लोगों को दिखाते हैं, तो वो इस तरह की भी चीज़ें हैं। और ये इतना बड़ा है, कितने 100 acres पर है कुछ आइडिया नहीं मुझे ये, लेकिन बहुत बड़ा है, तो इसको प्रॉपरली ऐसे विज़िट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो आपको 2 दिन निकालने चाहिए और फिर आके इसको घूमना चाहिए जितना बड़ा ये है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इसको ऊपर से लाइक कुछ पार्ट्स इसके देखे हैं, बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है ये। लाहौर, मुझे लाहौर का मुर भूल भुलैया ज़्यादा लगता है, क्या ख्याल है रोहाना आपका? ये देखिए मेरे बच्चे का चल चल के क्या हाल हो गया, क्योंकि हम शाही किला घूमते घूमते इतने खो गए थे ना शाही किला में कि हम गलत रास्ते पे आ गए, बाहर जाने के बजाय हम इतना चल चल के और ऊपर आ गए, और अब हमने नीचे जाना है। ओह बहुत हम धनी बेचारा औरंगज़ेब कैसे चलता होगा, अपने किले में कैसे घूमता होगा, हिम्मत थी भाई इतने बड़े बड़े किले बना के उनमें रहना, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो पता नहीं उन्होंने कौन कौन से अपने व्हीकल्स रखे होंगे अपने ज़माने के। दिमाग खराब है, कितने कनालों के हिसाब से, पता नहीं कितने मुरब्बों के हिसाब से चीज़ें बनाई हैं, एकड़ एकड़ कितने सैकड़ों एकड़, और एकड़ों के हिसाब से थक गए। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, मरले के घर पर नहीं चला जाता पूरा, हम तो वहाँ भी थक जाते हैं थोड़ी देर, एक कमरे दूसरे कमरे जाए ना कंप्यूटर पर थोड़ी देर गैप रह गया। ओके जी, अब हम इंटर हो गए हैं बादशाही मॉस्क में, बादशाही मस्जिद, विच इज़ द ब्यूटीफुल एंड माशाल्लाह ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत मॉस्क, और मैं भी आपको दिखाती हूँ।
ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸੇ ਸੱਪ ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸੇ ਸੱਪ ਨਾ ਤੱਕਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਸ਼ਨ ਬਹਾਰਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾ ਹੈ ਫੂਲ ਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਫਾ ਖਫਾ ਹੈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ